वैसा विलन रहना अच्छा रहता है कि देखने में मजा आता है। तो दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था जिसके वजह से ऑडियंस को इंगेज रखा मूवी। तो आफ्टर ऑल आफ्टर फोर इयर्स आई मस्ट से इट्स अ कमबैक ऑफ किंग खान। थैंक यू। जो सलमान खान का एंट्री कैसा लगा? सलमान खान का एंट्री वॉज टोटली लाइक ए सिटी मार्क। दो तीन मिनट तक कुछ थिएटर में पूरा सिटी चल रहा था क्योंकि आफ्टर ए लॉन्ग ईयर दे बोथ कम ऑन सेम स्क्रीन। तो जो एक्सपीरियंस था सलमान, कोई लिंक है क्या सलमान खान का अगले मूवी के लिए? लिंक है पर वो स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी यशराज ने कंफर्म किया है कि स्टोरी आगे जाकर कंटिन्यू होगा। तो लिंक है, वो लोगों ने हिंट भी दिया है। ओके। और बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सुबह सुबह आया, मेरा रात में सो के नहीं के, तो मुझे कुछ दर्द नहीं है उसका क्योंकि मूवी इतना अच्छा था। ईच एंड एवरी मिनट ऑफ द मूवी वॉज ऑसम। जो सीनैरियो जो लोकेशन है वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत कम लिखता है इंडियन मूवीज में। दीपिका पादुकोण वॉज एक्सट्रीमली गुड द वे शी वॉज डूइंग एक्शन। एक्शन के अलावा उन्होंने रोमांस भी बहुत अच्छा था, सीरियस रोल भी अच्छा था। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक्शन के लिए थी, हर रोल उन्होंने ठीक से किया, मूवी में उनका सब रोल है। तो दीपिका आई मस्ट से शी डिजर्व अ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर दिस ईयर बीइंग शी हैज डन एक्सट्रीमली गुड जॉब एज ए हीरोइन। और दीपिका पादुकोण के लिए मूवी में डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स और डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में कैसा लगी? डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स जो था वो स्टोरी के हिसाब से था पर बहुत अच्छा था। उन्होंने एक्शन भी बहुत अच्छा किया, उसमें कॉस्ट्यूम्स उनके अच्छे थे। जो ट्रेन का फाइट सीन था कैसा लगा? ट्रेन का फाइट सीन वॉज आफ्टर इंटरवल इट वॉज अ टोटल बिकॉज सडन जैसा हम लोग इंटरवल से आए वो सीन देख के हम शॉक हो गए, इतना अच्छा था वो सीन। तो ऐसा लग रहा था कि रिमाइंड करके फिर से देखना। थैंक यू। मंची एंट्रीज रिफरेंसेस चूड़ो मंची चूड़ी अंत मूवी పెడతారు ఇక్కడ నార్మల్లీ అన్ని మూవీస్ ఉంటారు కదా అంటే పాన్ ఇండియన్ లెవెల్ ఉందా? ఆ ఉంది అంటే ఫైట్ సీన్స్ ఎలా అనిపిస్తాయి? ఫైట్ సీన్స్ చాలా బాగుంటాయి, ఫైట్ సీన్స్ చాలా బాగుంటాయి, చేస్తారు వాళ్ళు మంచిగా ఉంది మూవీ చూస్తే అందరు హీరోస్ అందరికి నచ్చుతుంది అందరు అంటే అది రివీల్ చేయలేము అది చెప్పలేము ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మూవీ చాలా బాగుంది రేటింగ్ ఏమి రేటింగ్ షారుఖ్ ఫ్యాన్ కాబట్టి నేనైతే 5 ఇస్తాను ఎట్లా సల్మాన్ ఖాన్ ఎంట్రీ ఇస్ అమేజింగ్ अमेजिंग मूवी दीपिका पडुकोणे सूपर उन्े वो अल्टिमेट कैमरा एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2023 3D बाने विजुअल्स अभी चला बहुत अल्टिमेट कॉन्सेप्ट थैंक यू सूपर सूपर 2023 लास्ट आईना की स्टोरी वाज गुड एंड ऑफ पंच वाज देयर एंड आई एम कॉन्फिडेंट लाइक यू नो विद फैमिली इफ यू वांट टू एंजॉय This is a right movie. Come spend some time with your family and love, give your love to Pathan, Shah Rukh and Salman, both of what them. Is the story okay. line? Sorry? Story line. What is the story line? Story, don't get into the depth of story. Story very nominal, but both of them, like you know, did a so, super performance. Action episodes and A to Z, okay. Superb, just superb. You will enjoy. Have you Shah Rukh acting, sir? Shah Rukh acting, too good, just too good, okay. It's a too good movie and must watch for everyone. How is okay? Writing, sir? Sorry? Rating. Rating, I will give 4.5 out of 5. Comparing to Salman Khan, Shah Rukh, who is the better one? Of course, Shah Rukh. But expert, take care. बहुत अच्छा फिल्म, अच्छा है, देख सकते हैं ताकि आप लोग।